तेरी सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम नहीं हो जाती तब तक तू किसी से भी कुछ नहीं कहेगा। अगर तूने मेरी बात नहीं मानी तो इससे बड़ा कट मिश्री की गर्दन पे लगेगा। जिस दिन मुझे मेरी पूरी प्रॉपर्टी मिल गई तुझे तेरी बेटी मिल जाएगी पूरी। मिश्री को बेटी नहीं कह सकता, प्रिया का सच नहीं बता सकता। एक इंसान कमजोर से ही, लेकिन बाप मजबूर नहीं हो सकता। ये बाप अब कमजोरी की सारी बड़ियां तोड़ देगा। सच कह नहीं सकता, लेकिन लिख तो सकता है। मिश्री ही असली अनु है। अंकल जी, आपको होश आ गया? आपको ठीक तो लग रहा है ना? शुक्र है मम्मी का, जो आपको होश आ गया। थैंक यू मम्मी। अब आपको हम अच्छा अच्छा खाना खिलाकर जल्दी से फिट कर देंगे। पर अच्छा खाना खाने से पहले आपको कड़वी दवाई भी खानी पड़ेगी। उठाई अंकल जी, अभी आप बात करने की कोशिश मत कीजिए। अभी दवाई खा ली है आपने, अभी आराम कीजिए। अंकल जी आप अंकल जी प्लीज ऐसे मत कीजिए, ऐसे तो आपकी हालत और ज्यादा बिगड़ जाएगी। अंकल जी हम जानते हैं कि आप अभी भी हमसे नाराज हैं, पर हम आपसे वादा करते हैं हम जल्द ही असली अनु को ढूंढेंगे
और आपकी लाइफ में खुशियां भर देंगे। और उस दिन आप सिर्फ और सिर्फ स्माइल करेंगे। हमें प्रिया का सच जल्दी बाहर लाना होगा। क्यों बेकार थक रही है? तू हार तो चुकी है, अब बार बार अपनी इंसल्ट तो मत करो। अरे हाँ, इंसल्ट से याद आया, देख मेरी अंगूठी कैसी लगी? सुंदर है ना? और तेरी अंगुली तो बेचारी सुनी रह गई। तू इस उंगली की बात कर रही है प्रिया? हमें तो बिल्कुल भी सुनी नहीं लग रही। देख का मतलब तूने जो अंगूठी मुझे दी थी वो नकली थी। प्रिया, हमारी जान पहचान भी पुरानी हो गई है और तेरे सारे पैंतरे भी। हम जानते थे कि अर्जुन से सगाई से ज्यादा तुझे हमारी इंसल्ट करनी है, इसीलिए हमने पहले ही नकली अंगूठी बनवा ली थी। श्री, मैं तुझे जान से मार डालूंगी। हम अपने की अभी इसी सेकंड तेरा किस्सा खत्म कर सकते हैं प्रिया। पर अगर हमने ऐसा किया तो हम दोनों में फर्क क्या रह जाएगा प्रिया? हमें तेरी जान नहीं, सच बाहर निकलवाना है प्रिया, और ये काम हम कल ही करेंगे। कल अर्जुन से मेरी शादी है, यू इडियट। नहीं प्रिया, कल ये घर तेरी शादी नहीं, सच की ताकत दिखेगा। कल अर्जुन से तेरे फेरे नहीं, इंसाफ होगा। कल तेरी जीत नहीं, तेरी हार होगी प्रिया। कल तू इस घर से हमेशा हमेशा के लिए बाहर होगी। सिर्फ आसमान में ही नहीं, हमारे मन में भी तूफान उठ रहा है मम्मी। प्रिया का पर्दाफाश करने के लिए हमारे पास सिर्फ कल तक का टाइम है। क्या करें मम्मी?
पहुंचा देना माता रानी। निभाना होगा माता रानी, तुझे अर्जुन और प्रिया की शादी रोकनी होगी, मेरी बच्ची का साथ देना होगा माता रानी, उसके लिए इंसाफ होना चाहिए माता रानी। आज ही हल्दी लगाकर हम तुमको कत्थई पीतल कर देंगे अनु। पागल हो गई है यशोदा। अरे हमारी अनु तो सोना है सोना, और सोने को कभी कोई पीतल कर सकता है क्या? देख रही हूँ अम्मा, सोना और वो पत्थर हर बार पढ़ने को तैयार। देखा कैसी शक्ल बना रही है, ये पक्का मेरी हल्दी खराब करने आई है। आप कुछ करो ना मासी, प्लीज। चंजी, अब करते हैं कुछ। अम्मा, हम और दूध लेकर आते हैं। हाँ हाँ बेटा। ठीक तो है ना बेटा? सोल्विस मम्मी तो नहीं आ पाई? आप आ गए। देख के चलने से एलर्जी है क्या? बहुत दर्द हो रहा होगा ना? दर्द कहां होता है? तुम्हें तो मजा आ रहा होगा ना? स्टुपिड गर्ल, वेरी स्टुपिड। अर्जुन, तुमने हमारी हल्दी मिश्री को लगा दी। जाने का एक मौका नहीं छोड़ती है लड़की। हक थोड़ी देर के लिए भले ही भटक जाए प्रिया, देर सवेर अपने पते पर बहुत जरूर जाता है। आपके नाम की मेहंदी भी हमें ही लगी। हल्दी भी फेरे भी हमारे साथ ले लो। गलतियां दोहराने में यकीन नहीं करता मैं। आप यकीन करते कहा और सुन। चले नूरी, क्योंकि मैं अपनी अनु से शादी करने जा रहा हूं। आप शादी करते तो मिश्री मैं नहीं करती।
पे आप सिर्फ गुस्सा कर रहे हो और गुस्से में आप ये भी भूल रहे हो कि मतलब के होते हुए अगर आप किसी और से शादी करते हो तो वो जुर्म होता है वकील साहब। कल्पना जरा पूछिए अपनी प्यारी बहू से, अर्जुन को जेल भी भिजवाएंगे। अरे भैया ये बहू नहीं, बहुत बड़ा हथौड़ा है हथौड़ा। रिश्ता तोड़ने में लगी पड़ी रहती है हर वक्त कम वक्त। दुनिया भर का दुख उठाना मिश्री माइंड नहीं करती वो, लेकिन आप जिस हथौड़े की बात कर रहे हैं उसका वजन तो हमसे भी नहीं उठाया जा सकता। ये तो सुनने में ही प्रिया के टाइप का काम। चुप! हमारी अनु को बीच में लाने की कोई जरूरत नहीं है। दादी माँ हम तो बस इतना कह रहे थे कि हमारे और अर्जुन का रिश्ता। खबरदार जो तुमने मेरा और तुम्हारा नाम एक सांस में लेने की कोशिश की। हमारा नाम किस्मत ने एक साथ जोड़ा है अर्जुन, तो आज अर्जुन उन्हें अलग कर देगा। तलाक के पेपर्स। तलाक के पेपर्स? कानून का पाठ पढ़ाने के लिए थैंक यू मिश्री, यू आर राइट। एक पत्नी के होते हुए मैं किसी और से शादी नहीं कर सकता, इसीलिए मैं अपनी पत्नी को तलाक देकर अपनी अनु से शादी करूंगा। साइन करो। अर्जुन भैया एक बार आप फिर से सोच लो, आप जो कर रहे हो वो से हमारा रिश्ता ये, हमारा रिश्ता वो, हमारा रिश्ता मेरे लिए बोझ बन चुका है। अब मैं अपनी अनु का हाथ थामूंगा और ये बोझ को मैं और थाम नहीं सकता। साइन करो, साइन करो मिश्री। हम साइन करेंगे लेकिन एक शर्त पर। यहाँ आपकी सारी फैमिली है और हमारी फैमिली तो आप ही थे अर्जुन, अब बस हम और हमारी मम्मी। मम्मी का भी तो यहाँ होना बनता है ना। साफ साफ बोलो क्या चाहिए तुम्हें। ना थोड़ी ना कह सकते अर्जुन, हम साइन करेंगे लेकिन एक शर्त पर। यहाँ आपकी सारी फैमिली है और हमारी फैमिली तो आप ही थे अर्जुन, बस हम और हमारी मम्मी।
कभी कभी तो यहाँ होना बनता है। साफ साफ बोलो क्या चाहिए तुम। हमारे शादी की गवाह हमारी मम्मी बनी थी, हम चाहते हैं कि अब तलाक की गवाह भी हमारी मम्मी बने। हमारे शादी की गवाह हमारी मम्मी बनी थी, हम चाहते हैं कि अब तलाक की गवाह भी हमारी मम्मी बने। शादी में जरूर आना और मुझे और अर्जुन को एक होते देख। इतना क्यों हंस रही है? तुझे क्या लगा हम इतनी जल्दी हार मान जाएं? हम आज भी इस घर की बहू हैं और अर्जुन अब भी हमारे पति हैं। शादी से पहले तेरा सच घर वालों के सामने होगा और तू इस घर से बाहर होगी। अब तू मेरी शादी में जरूर आना और मुझे और अर्जुन को एक होते देख। इतना क्यों हंस रही है? तुझे क्या लगा हम इतनी जल्दी हार मान जाएं? हम आज भी इस घर की बहू हैं और अर्जुन अब भी हमारे पति हैं। शादी से पहले तेरा सच घर वालों के सामने होगा और तू इस घर से बाहर होगी।